Smart Sound. नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सीआरटी टीवी का सीमेटिक देखने वाले हैं। तो सीआरटी टीवी का सीमेटिक इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक सीआरटी टीवी का सीमेटिक है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन से बनाया हुआ है। तो हम वन बाय वन करके अलग अलग एक सेक्शन को देखेंगे। तो जैसे हो गया साउंड सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, जो अपना सीआरटी का बेस का पीसीबी रहता है वो सेक्शन देखेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं हम वीडियो ड्राइव सर्किट। ओके, तो ऐसे सभी सेक्शन को हम लोग वन बाय वन करके देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हमारा किस तरह से काम करता है उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। तो पावर सप्लाई सर्किट कहाँ पर है हम लोग एक बार टेस्ट आउट कर लेते हैं कहाँ पर है। चलिए, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये पावर सप्लाई है। तो जैसे कि यहाँ पर एक देख सकते हो डॉटेड लाइन मार्क किया हुआ है, जो डॉटेड लाइन आपको दिखाया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर एक डॉट लाइन यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, तो ये हमारा इंडिकेट करता है प्राइमरी साइड, उसके बाद का जो सभी है वो सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी साइड का जो ग्राउंड है वो अलग होता है, सेकेंडरी साइड का जो ग्राउंड होता है वो अलग होता है। इसको आइसोलेशन किया जाता है एक ट्रांसफार्मर, एक कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। और एक आपको कपलर रहता है यहाँ पर उसका फीडबैक लेने के लिए, सेकेंडरी साइड का फीडबैक लेने के लिए। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका। अभी देखो यहाँ से आपका प्लग इन करोगे तो लाइन फिल्टर के थ्रू होके एक रजिस्टर हाई वैल्यू का लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एमओबी लगाया हुआ है, पीटीसी लगाया हुआ है, एनटीसी लगाया हुआ है, ये सभी लगा के एक डायोड ब्रिज के ऊपर जाता है सप्लाई, ठीक है। इससे पहले जो यहाँ पर सभी चीज़ लगाया हुआ है उसको हम बोलते हैं ईएमआई फिल्टर। डायोड के पहले जो लगाया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं ईएमआई फिल्टर। उसके बाद डायोड के बाद जो सभी कंपोनेंट रहते हैं वो हो जाते हैं हमारे वर्क के लिए, जो हमारे एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए होता है वो सब वर्क के लिए होते हैं। ओके, तो अभी ये हो गया हमारा ईएमआई फिल्टर हो गया। इसके बाद में हमारा ईएमआई फिल्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ एसी वोल्टेज मिलता है, डीसी नहीं मिलता है। ईएमआई फिल्टर के बाद आपको रेक्टिफायर मिल जाएगा, रेक्टिफायर के बाद आपको डीसी वोल्टेज मिलना शुरू स्टार्ट हो जाएगा 300 वोल्ट डीसी, 230 वोल्ट यहाँ से एसी इन होता है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। देखो यहाँ लिखा ना 100 वोल्ट टू 240 वोल्ट एसी, उसका 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रहेगा और उसके बाद डीसी हो जाएगा। डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इतना ध्यान रखिए आप। उसके बाद ये 300 वोल्ट सप्लाई जाएगा एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से वहाँ से रिटर्न होकर आएगा हमारे, अगर एसटीआर लगा रहेगा तो एसटीआर के ड्रेन के ऊपर आएगा और ट्रांसफर लगा रहेगा ट्रांसफर कलेक्टर के ऊपर आएगा। तो एसटीआर के अंदर हमको मालूम है कि एक ड्राइविंग सर्किट और एक मॉस्फेट जो है अंदर फिट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से रहता है, तो अगर वो मॉस्फेट है तो आप मालूम आपको ड्रेन सोर्स, तो यहाँ पर ड्रेन सोर्स उसके अंदर गेट का सर्किट को ड्राइव करने के लिए अलग सर्किट बनाया रहता है इंटरनली, तो इस तरह से होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी देखो ये इसको सप्लाई मिलेगा 300 वोल्ट इसके ड्रेन पे। उसके बाद आपको स्टार्टअप चाहिए, स्टार्टअप होने के लिए एक सप्लाई और जरूरत पड़ेगी 15 वोल्ट के लिए। तो 15 वोल्ट के लिए देखो यहाँ से 300 वोल्ट से ही सप्लाई उठाया हुआ है यहाँ पर, तो दो 120 के रजिस्टर लगा के आपको यहाँ पर 15 वोल्ट मिल जाते हैं। अगर सबसे पहले अगर आपको प्राइमरी साइड में वोल्टेज है, सेकेंड प्राइमरी साइड में अगर आपको चेक करना है प्राइमरी साइड, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे वीसी सप्लाई एक कैपेसिटर पे। कैपेसिटर मतलब कौन सा, प्राइमरी साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इस तरह से कि जिसके अंदर पोलैरिटी रहेगी, पोलैरिटी मतलब इस तरह से देखो प्लस और यहाँ पर जो कुछ मेंशन नहीं किया मतलब माइनस है, ठीक है। तो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, तो उसके ऊपर आपको देखना है वोल्टेज। ओके, स्टार्टिंग वोल्टेज जिसको बोलते हैं स्टार्टअप वोल्टेज। तो जैसे इसको वोल्टेज मिलता है वो स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होकर स्विचिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में
ये सभी वोल्टेज जैसे -15 वोल्ट 15 वोल्ट, ये सभी 110 वोल्ट 12 वोल्ट, ऑडियो के लिए 15 वोल्ट, ये सभी सप्लाई बन के बाहर निकल जाती है। ओके, तो इसके बाद इसकी सेंसिंग दी जाती है। देखो अभी 110 की सेंसिंग, 110 की सप्लाई यहाँ पर है, उसकी सेंसिंग एक प्रीसेट लगा के 2K का और एक 1815 ट्रांजिस्टर लगा के उसकी सेंसिंग दी गई है। अब जैसे तो यहाँ पर ये चला जाएगा सीधा ऑप्टो कपलर को। ऑप्टो कपलर के अंदर आपको मालूम है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टो मतलब फोटो, फोटो मतलब लाइट, लाइट से ऑपरेट होने वाला है डिवाइस है। तो इसके अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर है और इसके अंदर एक फोटो एलईडी, इसको बोलते हैं एलईडी, ठीक है। तो इस तरह से फिट है उसके अंदर एक ही पैकेज का, प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई को भी सेंसिंग कराया जाता है यहाँ पर। देखो दोनों सप्लाई सेंसिंग किया जा रहा है, कराया जा रहा है। उसके बाद में ये सेंसिंग, अभी देखो यहाँ से जो सप्लाई था हमारा, कौन सा सप्लाई, 12 वोल्ट, ये हमारे ऑप्टो कपलर को ऑपरेट के लिए भी जाता है। देखो देखो यहाँ सप्लाई निकल के सीधा चला गया हमारे ऑप्टो कपलर को, ठीक है, ऑप्टो कपलर का जो कलेक्टर है उसको चला गया। ओके, तो इस तरह से अभी ये सप्लाई एक बार स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सप्लाई क्या हो जाएगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आप प्लग इन करते हो सप्लाई स्टार्ट हो जाता है, एक बार वोल्टेज सारे के सारे वोल्टेज निकालेगा। अगर आपके सेकेंडरी साइड में कुछ भी शॉर्टिंग रहेगा तो एक बार वोल्टेज निकाल के बंद कर देगा, अगर उसके फीडबैक नहीं मिलेगा तो, फीडबैक मतलब ये फीडबैक नहीं मिलेगा तो। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, हो सकता है आपका वोल्टेज सही से ना बनता रहे, जो -15 वोल्ट 15 वोल्ट कोई वोल्टेज कोई भी सही से ना बनता है, 110 नहीं बनेगा तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम आएगा, एक बार चालू होकर बंद हो जाएगा या सप्लाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको सही तरीके से फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो एग्जाम्पल एक फीडबैक समझते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे समझ करो कि मैं आपको एक बुक दिया, ठीक है, आपको सेंड किया, कुरियर किया, तो आप बदले मुझे क्या करते हो, फ़ोन करते हो कि मुझे भाई बुक मिल गया है, ठीक है। अगर आपको मैं बुक भेजा, आपका कोई फ़ोन नहीं आया, तो मैं दोबारा आपको बुक नहीं भेजूंगा, क्यों, क्योंकि आपका कोई फीडबैक नहीं आया कि मुझे बुक मिला या नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आप फीडबैक देते रहोगे तो मैं आपको यहाँ से लगातार बुक सेंड करते रहूँगा, अगर आप फीडबैक नहीं दे रहे हो तो मैं आपको बुक सेंड नहीं करूँगा। तो ऐसे ही एक बार यहाँ पर से वोल्टेज निकालेगा, अगर उसको फीडबैक प्रॉपर मिल जाएगा तो ये लगातार आपको वोल्टेज देता रहेगा, अगर फीडबैक इसमें नहीं मिलेगा, इसको फीडबैक अगर नहीं मिलेगा तो एक बार वोल्टेज निकाल के बंद कर देगा, ठीक है। तो समझ जाना कि इसके फीडबैक लाइन में वोल्ट प्रॉब्लम है, या फिर आपको समझ सपोज करो कि इस तरह से प्रॉब्लम आया कि आपका वोल्टेज कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपको जो वोल्टेज है यहाँ पर, जो वोल्टेज जो निकालना चाह रहा है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से फीडबैक नहीं मिल रहा है, इसीलिए वोल्टेज को निकाल नहीं रहा है। ओके, तो आपको उस समय में ये सब जो फीडबैक लाइन के कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर, दो रजिस्टर है, 100K का, 150K का, ठीक है, 5.1K का, ये सभी रजिस्टर को आपको बारी बारी चेक करना है, प्रीसेट चेंज करके देख लेना, 1815 ट्रांजिस्टर चेंज करके देख लेना है, यहाँ पर रजिस्टर लगा उसको ऑप्टो कपलर चेंज करके देख लेना, ये सभी चीज़ें एक बार चेंज करके देख लेना है, क्योंकि यही सब रिस्पॉन्सिबल है किसके फीडबैक के लिए। ओके, तो अगर ये सप्लाई, अभी एक वाइंडिंग किस लिए है, तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं कोर रिसेटिंग वाइंडिंग। तो कोर रिसेट करने का फंडा होता है, क्योंकि कोर में जो बची हुई एनर्जी रहती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, उसको निकाल के निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर नहीं निकालोगे तो आपका एक ट्रांसफार्मर होता है जो है वो ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा हीट होकर ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये फंडामेंटल हमने देखा है अपने कोर्स के अंदर, किस तरह से कोर रेसिटिंग का फंडामेंटल चलता है। तो इसके बाद ये वोल्टेज निकालता है यहाँ से डायोड के, ये वोल्टेज क्या रहता है, एसी रहता है, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डायोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये वोल्टेज स्टार्ट तो एक बार कर देगा ये, लेकिन अगर इसको कंटिन्यूस बना के रखना है तो इसको प्रॉपर वोल्टेज 15-18 वोल्टेज जो भी चाहिए प्रॉपर चाहिए रहता है। तो अगर ये वोल्टेज में तब ताकत नहीं होता है कि वो कंटिन्यूस बना के रखें, तो इसके लिए ये फंडा यूज करके इसको वोल्टेज दिया जाता है, ताकि इसका एम्पियर प्रॉपर बना रहे, ठीक है, एम्पियर प्रॉपर बना रहे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक काम करवाया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड, अभी हम लोग सेकेंडरी साइड में चलते हैं। अभी सेकेंडरी साइड में क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर वोल्टेज देखा -15 +15, आपको मालूम है कि वर्टिकल आईसी को चलने के लिए -15 और +15 का वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अगर वो दोनों -15 +15 नहीं है वोल्टेज, तो आपको 28 वोल्ट उसको चाहिए रहता है, वो चाहे SMPS से दो या फिर चाहे चाहे ESD से बना के दो, तो उसको कहीं से चाहिए वोल्टेज, ठीक है। अगर सपोज करो कि -15 +15 यहाँ पर देखो SMPS से बना है, अब -15 कैसे बनाया, देखो डायोड को इसने रिवर्स में यूज कर दिया है, इसीलिए -15 निकल रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है। ओके, तो इस तरह से है, अभी उसको -15 वोल्ट मिला, +15 मिला है। अगर ये वोल्टेज -15 +15 नहीं रहेगा तो 28 वोल्ट रहेगा सीधा ही, SMPS से रहेगा, एक डायोड लगा के एक कपैसिटर लगा के 28 वोल्ट सीधा रहेगा। ओके, यहाँ पर ये यह हो गया। उसके बाद 110 वोल्ट, 16 वोल्ट, यहाँ पर देखो 12 वोल्ट है लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पर, 12-15 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से सप्लाई चली गई। अभी आगे चलते हैं हम लोग, सबसे पहले कौन सी सप्लाई बनती है हमारा 12 वोल्ट बन के हमारे, अभी ये सब सप्लाई अपने अपने जगह पर जाके खड़े रहेंगे, मतलब ये जाके वर्टिकल में रुका रहेगा,
ये जाके आपको डीटी के ऊपर रुका रहेगा, ये आपको 110 हॉरिजॉन्टल पे जाके रुका रहेगा, ये 15 वोल्ट आरडीओ पे जाके रुका रहेगा, सब सप्लाई अपने जगह पे स्टेबल रहेंगे, अभी कोई फंक्शन में आएंगे नहीं। फंक्शन में कब आएंगे, जब हमारा स्टैंड बाय रिलीज होता है तब। फिलहाल तो अभी टीवी में स्टैंड बाय में कंसिडर कर रहा हूँ। ओके तो चलिए सबसे पहले ये सप्लाई देखो, 12 वोल्ट गया यहाँ पर, 12 वोल्ट यहाँ पर गया बरबर, ये 12 वोल्ट गया यहाँ पर सीधा ही। अब यहाँ से 5 वोल्ट निकल गया, 5 वोल्ट कैसे निकला, हमने ट्रांजिस्टर की थ्योरी पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वोल्टेज रेगुलेटर हमको यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, उसके बेस का वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, उसके बेस का वोल्टेज हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब एक फिक्स वोल्टेज रखना, अगर 3 वोल्ट है 3 वोल्ट, 4 वोल्ट है 4 वोल्ट। ठीक है, सपोज करो कि ये ट्रांजिस्टर है, अगर इसका बेस का वोल्टेज मैं 1 वोल्ट रखूँगा तो ये 12 वोल्ट इन करेगा, 12 वोल्ट इन करेगा लेकिन 1 वोल्ट आउट निकालेगा, अगर 2 वोल्ट रखूँगा तो 12 वोल्ट इन करेगा 2 वोल्ट आउट निकालेगा, ऐसे 5 वोल्ट इन रखूँगा यहाँ पर तो 5 वोल्ट 12 वोल्ट इन करेगा और 5 वोल्ट मुझे निकालेगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक जीनर डायोड लगाया हुआ है वोल्टेज को फिक्स करने के लिए। हमको मालूम है कि जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, तो इसका जो प्लस लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और प्लस जो सॉरी जो प्लस लाइन है वो डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और जो प्लस है वो कहाँ कनेक्ट है, ग्राउंड से कनेक्ट है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, इसलिए लगाया रहता है क्योंकि अगर कभी शॉर्ट बिट हो तो रेजिस्टेंस ओपन हो जाए, ताकि आगे का सर्किट हमारा बचा का बचा रहे। ठीक है, अब यही वोल्टेज देखो, यही वोल्टेज एक आउट ट्रांजिस्टर दिया है, यही वोल्टेज एक आउट ट्रांजिस्टर का दिया है, ये ट्रांजिस्टर के हमने एक ट्रांजिस्टर और पढ़ा था, कौन सा ट्रांजिस्टर जिसके दो लेग पे 12 वोल्ट आके रुके रहेंगे, तो वो 1015 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे, यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इस लेग पे आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ इस लेग पे आपको कलेक्टर पे से कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, अब यहाँ 12 वोल्ट आके रुका रहेगा। ठीक है, अब ये फंक्शन में कब आएगा, जब इसको स्टैंड बाय का सप्लाई आएगा तब आएगा। ओके, अब ये देखते थे 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये 5 वोल्ट जो है स्टैंड बाय, हमको मालूम है कि 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है, ये हमारी मेमोरी को जाता है, और किसको जाता है, मेन आईसी में जाता है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा ये। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस वी प्रेस करता हूँ, अब देखिए ये हमारा मेमोरी आईसी आ गया। अभी मेमोरी आईसी कैसे मालूम पड़ा मुझे, ये किसके नंबर से है, 24 सीरीज का है, तो 2C24C08 मेमोरी है। ठीक है, तो इसका मुझे मालूम है कि पिन नंबर 8 पे इसकी वीसी सप्लाई आता है, बाकी 1 2 3 4 5 सब ग्राउंड होता है, 1 2 3 4 ग्राउंड होता है। ठीक है, पिन नंबर 8 पे वीसी सप्लाई आता है, और पिन नंबर 6 और पिन नंबर 5 इसका HDL SCL है, तो HDL SCL देखो यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ से ये ट्रैक यहाँ से निकला 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, उसके बाद में सीधा ही SCL, उसके बाद SDA। ओके, यहाँ पर कोई जीरो डायोड भी लगाया है सेपरेट सेपरेट लाइन में, इस लाइन में एक जीरो डायोड लगाया, इस लाइन में एक जीरो डायोड लगाया। ओके, यहाँ पर लगाया हुआ, तीन मेमोरी आईसी हो गया। अब इसके बाद ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है, और यहाँ पर कहीं दिखाया नहीं, लेकिन और 5 वोल्ट कहाँ जाएगा, हमारे इस क्रोम आईसी को जाएगा, क्रोम आईसी कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ ये 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर, तो 5 वोल्ट DC1 मतलब वोल्टेज पॉइंट वन, यहाँ पर 5 वोल्ट मिलेगा। जैसे इसको 5 वोल्ट मिलेगा, ये IR के लिए वोल्टेज निकालेगा, IR के लिए वोल्टेज निकालेगा। ठीक है, प्लस अभी ये 3.3 वोल्ट भी यहीं से आ रहा है, देखो यहाँ से ये देखो ये 5 वोल्ट बना, तो 5 वोल्ट का यूज करके 3.3 वोल्ट ऑन द स्पॉट बनेगा, स्टैंड बाय में ही बन जाएगा वोल्टेज, क्योंकि देखिए यहाँ से सप्लाई गया रेजिस्टर के थ्रू, रेजिस्टर के थ्रू यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं इसको है, इसका वोल्टेज जो है बेस वोल्टेज फिक्स किया है जीरो डायोड लगा के, वैसे ही 3.3 वोल्ट यहाँ पर आउट हो जाएगा। ठीक है, 3.3 आउट हो गया, देखो यहाँ पर आएगा किसके लिए, की के लिए आएगा, और दूसरा किसके लिए जाएगा, रिसेट के लिए जाएगा, की और रिसेट के लिए दोनों के लिए आएगा। ठीक है, तो ये सप्लाई IR है, IR निकल के जाएगा कहाँ पर, सेंसर पर जाएगा, तो IR मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर कॉपी करता हूँ कंट्रोल प्लस सी से, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ IR के ऊपर, पहुँचते हम लोग